नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदाद् स्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशत सारीणी नम ओ विष्णुपाय गौरवाणी कृष्णप्रेष्ठाया भ्रूतरे श्रीमते भक्ति वेदा नमस्ते नाम देवे सारस्वतीदे गौरवान्चारिणे दे। निर्विशेष पाश्चातदेशतारिण जय श्रीकृष्णा चेतन्य प्रभो नित्यनान्द श्री गदाधर। िवाचादिगौर्भक्त जय श्रीकृष्णा च कन्या प्रभु नित्यनन्द श्री अद्वैतागदाधर श्रिवाचादिगौरभक्त हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे जय राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा रासु बिहारी राधा रास बिहारी राधी जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधी जय राधाच बिहारी राधा बाच बिहारी जय राधा बाच बिहारी राधा बाच बिहारी राधी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्र जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी नयन पथ गामी भव जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी नयन पथ गामी भव जया जया प्रभुपाद 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 जय जया प्रभुपाद 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 जय पय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव

बोले हरिनाम संकीर्तन की शिल प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे जय राधा माधव बिहारी जय राधा माधव कुंजबिहारी जयगोपी जनवाला भ धारी जय यशोदा गिरीवरधारींदन ब्रज यशोदा यशोदनंदन ब्रज रंजन यमुना वनचारी यमुना वनचारी जय राधा माधव बिहारी जय राधा माधव बिहारी जय गोपी भा गिरिवार धारी जय गोपी जानवालाभ गिवार यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज यमुना तीरा वनचारी यमुना यमुनातीरावनचारी जय कुंज कूजबिह जय कुंज कुह हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीं उत्तम स्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके आप सभी का स्वागत है भगवत गीता क्लास में तो हम लोग अध्याय चार में हैं श्लोक संख्या उनतीस देख चुके हैं श्लोक संख्या तीस से शुरुआत करेंगे तो पहले हम श्लोका पढ़ेंगे उसका अनुवाद पढ़ेंगे फिर बाद में हम मंगलाचरण के बाद श्लोकों पर चर्चा करेंगे हरे कृष्ण अध्याय चार श्लोक संख्या उन्तीस अपाने जुहवति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति प्राणायामारायण अपरेनीयताहारा प्राणान प्राणे सुजुहवती अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं प्राणायाम करते हैं वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में ही रहते हैं अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राणी में ही आहुति दे देते हैं श्लोक संख्या तीस सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ छपित कलम शाह यज्ञ शिष्टा मृत भुजो या ब्रह्म सनातनम ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं श्लोक संख्या 31 नयम लोकोष्टि अयज्ञस्य कुतोण्यह कुरु सत्तमा हे कुरु जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा श्लोक संख्या 32 एवं बहुविदायज्ञ ब्रह्मणो मुखे कर्म जान सर्वान एवं विन विमोक्षसे ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे श्लोक संख्या तैतीस श्रेयान द्रव्य मज ज्ञानय परमाखिल्ञाने द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है हे पार्थ अंत तो ग्वा सारे कर्मयज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है श्लोक संख्या चौंतीस तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उप देख तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्हें सत्य का दर्शन उन्होंने सत्य का दर्शन किया है श्लोक संख्या पैंतीस यज्ञावा न पुनरमोह एवं यासी पांडव ये नशेषाणी द्रक्षस्य स्वरूप आत्म, सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीवात्मा के अंश स्वरूप हैं अर्थात वे सब मेरे हैं श्लोक संख्या छैतीस छत्तीस पापे यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। गए श्लोक संख्या सैतीस धांसी समे भात कुर्जुन ज्ञान सात कुरुते तथा जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है श्लोक संख्या अड़तीस न ही ज्ञाने न सदृशम इह पवित्रेद्योगती इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात तथा शुद्ध नहीं है ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है श्लोक संख्या उनतालीस श्रद्धा तत्पर संयते जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है श्लोक संख्या चालीस अज्ञाश्चास्त्रधान संशयात्मा विनश्यति ना लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशयात्म किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावना मृत नहीं प्राप्त करते अभी तो नीचे गिर जाते हैं संशयात्मा के लिए ना तो इस लोक में नहि परलोक में कोई सुख है ओम अज्ञान तिमिरांदस्य ज्ञानंञ्जना शलाकाय चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वापदान्तिकं वन्दे हम श्री गुरु श्री श्रीगुरून्वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामे निति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात् हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका राधा कांता नमस्तुते नमस्तु तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि दे। प्रणमामि है प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत अद्वैतगदा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है गीता क्लास में तो हम जो है श्लोक संख्या अध्याय चार के श्लोक संख्या तीस में है तो हम पहले देखेंगे श्लोक संख्या पच्चीस से उन्तीस में हमने क्या देखा है तो श्लोक संख्या पच्चीस में बताया गया है कि देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए तो जो लोग देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं वे जो हैं ब्रह्मलोक को जाते हैं या फिर हम ऐसा कहें कि जो भी जिस भी देवता की पूजा करेंगे जैसे इंद्र भगवान की पूजा करेंगे तो इंद्र लोग जाएंगे ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे ब्रह्मा जी की सेवा करेंगे तो ब्रह्म लोग ऐसे आप जिस प्रकार का यज्ञ करते हैं सेक्रीफाइस करते हैं उसी लोक में जाते हैं या फिर आप समझो इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं तो वर्षा की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं मतलब हमारा कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा होता है हमें भौतिक में कुछ सुख चाहिए होता है इसलिए जो है हम विभिन्न प्रकार के देवताओं की पूजा करते हैं फिर श्लोक संख्या छब्बीस में बताया गया है कि एक ब्रह्मचारी क्या करता है ब्रह्मचारी जो है अब खाली सुनता है अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है और अपने सारी इंद्रिय सुखों को वो जो है छोड़ देता है ये है ब्रह्मचारी का काम अपने गुरु के आज्ञा पालन करना हाँ भगवान कृष्ण की लीला के बारे में श्रवण करना भगवान के कृष्ण लीला के बारे में बोलना हाँ डिस्कस करना तो ये सब जो है एक ब्रह्मचारी का काम है तो ब्रह्मचारी जो है बाकी किसी और इंद्रिय सुख से काफी दूर रहता है क्योंकि वो गुरु का आज्ञा पालन करता है तो उसे गुरु जैसे कहते हैं जैसा निर्देश देते हैं उसी का पालन करता है अब ये बात होती है। जो है अपने सुखों को एक तरह से नियमित करता है रेगुलेट करता है संयमित करता है जैसे तो जो ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी जीवन पूर्ण होने के पश्चात अगर कोई विवाह करना चाहता है हा? तो संतान संतान उत्पन्न करना चाहता है तो उसे वेदों और पुराणों के अनुसार जो है शादी ब्याह करनी चाहिए और ऐसे संतान उत्पन्न करनी चाहिए जो कृष्ण भक्त बने तो उसको बोलते हैं रेगुलेटेड गृहस्थ संयमित गृहस्थ जीवन फिर आता है श्लोक संख्या सत्ताईस में हमने देखा अष्टांग योग के बारे में बताया गया है पतंजलि योग सिस्टम जिसमें आप जो है समाधि में प्राणायाम करते हैं हम्म अपने सांस को छोड़ते हैं हाँ फिर अंदर लेते हैं इस तरह प्राणायाम का अभ्यास करके धीरे धीरे जो है अपने आ, इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और फिर समाधि में समाधि में हो जाते हैं फिर आता है श्लोक संख्या अट्ठाइस में बताया गया है अल, अलग अलग प्रकार के यज्ञों का जैसे हो गया चैरिटी करते हैं लोग दान, दान करते हैं तो दान करने की प्रक्रिया जो है द्रव्यमय यज्ञ के अंदर आती है फिर लोग तप करते हैं तपश्चर्या करते हैं औस्टरिटी करते हैं हा? फिर योग योग करते हैं हम्म अलग अलग प्रकार के योग करते हैं प्राणायाम करते हैं तो अलग अलग प्रकार के सुख के लिए कि भाई कुछ लोग तो अपने फिटनेस के लिए हाँ, स्वस्थ रहने के लिए योग करते हैं तो आप जब भगवान की भक्ति करते हैं ना तो उसमें इतने सारे आ, जो है नाना प्रकार के विविध प्रकार के जो उसके अंदर अलग अलग स्टेजेज हैं आप वो अगर अनु, उसका अनुकरण करते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और आपके अगल बगल का वातावरण भी शुद्ध रहता है जैसे हो गया आप अगर भक्ति करते हैं तो आप सुबह जल्दी उठते हैं सुबह जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है फिर आप जो है भगवान का नाम जप करते हैं पूजा पाठ करते हैं तुलसी आरती करते हैं भगवान विष्णु की पूजा करते हैं भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो ये प्रकार की सुबह उठना और ये सब काम करना से आपका जो है जीवन सुखी हो जाता है आप स्वस्थ भी रहते हो और आपका जो है दिमाग भी ठीक से रहता है और आपका शरीर भी ठीक से काम करता है तो आप सुख और संपन्न दोनों रहते हो अगर आप जो है भक्ति करते हैं तो और कुछ लोग स्वाध्याय करते हैं सुबह उठकर वेदों पुराणों गीता भागवतम इन सारे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और गुरुओं के मुख्य सुनते हैं और अगर उन्हें कुछ संशय है तो उसकी जिज्ञासा करते हैं जब आप जिज्ञासा करते हैं तो आपको विनीत होना चाहिए श्लोक संख्या उन्तीस श्लोक संख्या उन्तीस में बताया गया है हठ योग के बारे में बताया गया है श्लोक संख्या उन्तीस क्या है अपाने प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति प्राणायामाय नियता प्राण अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं प्राणायाम करते हैं वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में ही रहते हैं अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राणी में ही आहुति देते हैं तो अलग अलग प्रकार के जो है प्राणायाम होते हैं हठ योग होते हैं लोग अल्पाहार करते हैं हठ योग करते हैं प्राणायाम करते हैं हा? अपने सांस को रोकते हैं छोड़ते हैं और इस रोकने और छोड़ने की प्रक्रिया को कुछ समय के बाद में वो जो है स्थिर कर देते हैं और फिर वो समाधि में ही रहते हैं तो उनके अंदर इतना कंट्रोल होता है इतना संयम हो जाता है कि अपने सांस को रोक सकते हैं अंदर ही रोक सकते हैं अपने प्राण वायु को अंदर ही रोक लेते हैं और समाधि में चले जाते हैं यह है श्लोक संख्या 25। अब हम देखेंगे श्लोक संख्या तीस सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ छपित कल्मशाः यज्ञ सिष्टा अमृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनम् ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं तो जो लोग यज्ञ करते हैं अलग-अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं लोग अपने कर्म के अनुसार अलग-अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं लोग अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग प्रकार के यज्ञ यज्ञ करते करते हैं हैं तो जो भी प्रकार का धीरे धीरे उनकी शुद्धि होती होती जाती है आत्म होती है आत्म शुद्धि और धीरे धीरे वो भगवत भक्ति की तरफ बढ़ने लगते हैं तो परम उद्देश्य एक ही है कृष्ण की प्राप्ति तो आप चाहे जिस रास्ते से जाए धीरे 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 आप भगवान के भक्त बनते चले जाते हैं जैसे ही आपका कर्म अच्छा हो जाएगा आपको गुरु मिल जाएंगे आपको गुरु निर्देश देंगे और आपको गुरु क्या क्या पालन करेंगे उसके पहले हो सकता है और भी कई गुरु मिले हों लेकिन हमारे कर्म अच्छे नहीं थे हम उस गुरु को पहचान नहीं पाए उनके निर्देशों का पालन नहीं किया हमने गुरु साधु और संत का जो है शास्त्र का हमने अनु, अनुकरण नहीं किया तो जब तक हम अनुकरण नहीं करेंगे विनीत भाव से जिज्ञासा नहीं करेंगे गुरु से तब तक हमें जो है दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी और अगर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तो भगवत भक्ति में बहुत बहुत परेशानी होती है तो नाना प्रकार के यज्ञ होते हैं हा? को, तो वो सारे यज्ञों का उद्देश्य एक ही है अपने इंद्रियों को वश में करना हु? क्योंकि क्या होता है जब अगर आपकी इंद्रियावश में नहीं है तो आप जो है भौतिक जीवन में लिप्त हो जाते हो भौतिक जीवन में बहुत सारी इच्छाएं हैं बहुत सारे पैसे कमाते हैं लोग मुझे गाड़ी चाहिए बंगला चाहिए तो नाना प्रकार की चीजों के पीछे पड़े रहते हैं उन्हें कभी फुर्सत ही नहीं मिलती हाँ एक घर ले लिया दूसरा घर भी लेना है तीसरा भी लेना है चौथा भी लेना है मतलब कितना बना लें कि उनके बच्चे आराम किए तो हम बच्चों के आराम के लिए जो काम करते हैं ना वो सही नहीं है हाँ? क्योंकि भगवान आपको जो है इतना देते हैं इतना पर्याप्त देते हैं कि आप में उसमें आपका जीवन जो है सुखपूर्वक निकल सकता है भगवत भक्ति करते हुए तो उसमें आप भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं और जो है जो है आप उसमें अपना पूरा जीवन व्यतीत भी कर सकते हैं तो यज्ञ करने से क्या होता है हमारा जो पाप है ना वो कम हो जाते हैं हमारे भौतिक जीवन में तो हम हमेशा पाप करते हैं तो बिना जानबूझ के भी हम क्या करते हैं हम पाप ही करते रहते हैं लेकिन जब आप भगवत भक्ति करने लगते हैं जब आप नाना प्रकार के यज्ञ करने लगते हैं तो आपके जो पाप पूर्ण जीवन है ना वो पाप जो है आपके धीरे धीरे कम होने लगते हैं तो इस तरह हम देखते हैं कि जो है अः और आपके जो दिव्य ज्ञान की में बढ़ोतरी होने लगती है और आप धीरे धीरे भगवत धाम की ओर बढ़ने लगते हैं भगवत भक्ति करने लगते हैं जब आप भगवत भक्ति करने लगते हैं तो आपका जो पाप पूर्ण जीवन है पापमय जीवन है वो धीरे 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 कम होने लगता है खत्म तो नहीं होता है लेकिन धीरे धीरे कम होना लगता है और जब आप अपने जीवन में एडवांस बन जाते हैं या फिर अपने भक्ति में काफी ऊपर चले जाते हैं तो उससे क्या होता है धीरे धीरे आपका जो जीवन है एकदम सुखमय हो जाता है उसमें आपको पता नहीं चलेगा किन किन प्रकार चीजों की आवश्यकता है वो सारी है है आप कर देते हैं और अंत समय में क्या होता है आप जो है भगवान आपकी जबान पे जो है आपके जीवा पे जो है भगवान भगवान का नाम आ जाता है हाँ जीवा पे भगवान का नाम आने के लिए ही हम पूरा अपना जीवन लगा देते हैं इसलिए बोलते हैं कि भाई जो है प्रभुपाद बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जो है जब हमेशा करती रहिए आप जो भी काम कर रहे हैं कृष्णा को ध्यान में रखकर करिए कृष्णा को केंद्र बिंदु बनाकर करिए तो उससे क्या होगा आपका जो कर्म है वो जो है शुद्ध हो जाएगा उसमें से पाप जो कर्म है वो खत्म हो जाएंगे कम हो जाएंगे तो उससे आपके जो है आपका जो अप्रारब्ध और प्रारब्ध है ना प्रारब्ध जो है आपके अच्छे कर्मों से भरा हुआ रहेगा जब आपका अप्रारब्ध जो है अच्छे कर्मों से भरा हुआ रहेगा तो आपका प्रारब्ध हमेशा अच्छा ही रहेगा तो धीरे धीरे लोग भक्ति करते हुए ब्रह्म विलीन हो जाते हैं हा, जो 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 भगवान को भगवान को नहीं सोचते कि भगवान जो है निराकार है वो भगवान को निराकार में चले जाते हैं और जो भक्ति करते हैं भगवान को साकार रूप में देखते हैं वे भगवान के साथ स्वरूप सिद्ध पाकर जो है उनके भगवान के साथ रहते भगवान के संग में रहने का उनको अवसर मिलता है तो जो भगवान के साकार रूप में पूजा अर्चना करते हैं अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं वे भगवान के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं और जो और जो लो लोग भगवान की निराकार रूप में पूजा अर्चना करते हैं वो अंत समय में ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के विश्वास हैं जैसा आपका विश्वास हो उस तरह से जो है आप पूजा अर्चना कीजिए धीरे धीरे आपका जो है जीवन पाप पूर्ण से मुक्त हो जाएगा पाप से मुक्त हो जाएगा यह है श्लोक संख्या तीस श्लोक संख्या इकतीस में भगवान बताते हैं सत्तम हे कुरुश्रेष्ठ जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जीवन में यज्ञ बहुत जरूरी है यज्ञ तपश्चर्या बलिदान त्याग ये बहुत जरूरी है अगर आप किसी चीज का त्याग नहीं करेंगे किसी चीज के लिए यज्ञ नहीं करेंगे तो आपका जीवन जो है पाप पूर्ण बन जाएगा धीरे धीरे आप जो है आपके आपका जो अकाउंट है ना वो पाप से भरता जाएगा तो लोग जब इस भौतिक जीवन में आते हैं तो करते क्या है क्या करते हैं जब इस भौतिक जीवन में आते ही उन्हें भौतिक की आसक्ति लग जाती है अरे देखते हैं उसके पास ये है अरे देखते हैं उसके पास, है, उसके पास गाड़ी है उसके पास बंगला है तो उन्हें भी आसक्ति लगती जाती है तो उस देखने से लोग ना बोलते ना देखा देखे में ज्यादा परेशान है उसके पास ये है मेरे पास नहीं हालांकि भगवान ने उसे इतना पर्याप्त दिया है कि उसका जीवन जो है सुख पूर्वक भक्ति करते हुए निकल जाएगा नाना प्रकार के यज्ञ करते हुए उसका जीवन सफल हो जाएगा लेकिन लोग क्या करते हैं इग्नोर करते ध्यान नहीं देते जो है उसका ध्यान नहीं देते मतलब बोलते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब जो उनके पास है उस पर उनका नजर नहीं होता जो उनके पास नहीं है उसी में वो उसी होड़ में परेशान रहते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि भाई जितनी उनकी क्षमता है वो तो भगवान ने दिया है और जो जो, जो उनकी क्षमता नहीं है उसके पीछे भागने लगते हैं तो उससे क्या करते हैं पाप करने लगते हैं भाई जैसे किसी को बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो वो क्या करता फिर गलत रास्ते में चला जाता है बियर बार खोल के बैठ जाएगा बस तो बियर बार खोल के बैठ रहे हो तो एक तरह से वो पाप ही कर रहे हो तुम तो, हाँ तो वो क्या करेंगे बियर बार में आजकल तो बहुत बहुत लोग सब पीने खाने लगे हैं तो वहां पर ज्यादा धंधा होता है हाँ तो ये सब करके वो अपने जीवन को पाप पूर्ण बनाने लगता है और वो जब पाप भरते जाता है पाप का घड़ा भरते जाता है तो जो उसका फल मिलता है वो भी पाप का ही रहता है पाप पूर्ण ही होता है अगर आप पाप करेंगे तो आपको पाप का फल मिलेगा अगर आप पुण्य करेंगे तो आपको पुण्य का फल मिलेगा तो धीरे धीरे ये जो पूरा साइकिल है ना हम भगवत भक्ति नहीं करते तो हम जो है भौतिक जीवन में फंसे रहते हैं हम जो है उल्टे सीधे कंपटीशन में लगे रहते हैं कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए उसके पास ये है वो है तो इस तरह से हमारा हम जीवन पूरा पाप पूर्ण बन जाता है और हम उसी में आसक्त रहते हैं और नाना प्रकार के दुख आएंगे बीमारी आएगी ये सब उसी का कारण है क्योंकि हम जो है सब कुछ दांव पे लगाकर जो है अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं देते हैं सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहते हैं धन दौलत के पीछे भागते रहते हैं संपत्ति के पीछे भागते रहते हैं तो उसे क्या दूसरी बीमारी पकड़ लेते है तो आपने जितना कमाया नहीं उतना दवाई में खर्चा कर दिया तो इसलिए जो है हमें मनुष्य जीवन मिला है ये मनुष्य जीवन जो है ना ये सबसे उत्तम जीवन है हालांकि मनुष्य की योनियों में भी कई प्रकार की योनिया है हाँ लेकिन जब आपको मनुष्य योनि मिले इसका मतलब क्या है कि आप पशु और मनुष्य में फर्क क्या है भाई हमें जो है बुद्धि दिया है भगवान ने हम उस बुद्धि का सही इस्तेमाल कर सकते हैं उस बुद्धि का हम भौतिक जीवन में नाना प्रकार की भौतिक आसक्ति से हटाकर भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं हम्म और हमारे पास वेद है हमारे पास पुराण है हमारे पास भागवतम है हमारे पास भगवत गीता है हमारे पास गुरु है हमारे पास आचार्य है हमारे पास मंदिर है हमारे पास अर्चा विग्रह है इतने प्रकार की चीजें हैं कि हम भगवान की भक्ति करके उनकी सेवा करके गुरु की आज्ञा का पालन करके हम जो है अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं तो ये वेद वेद जो हमें दिए गए हैं ना ये वेदों में वर्णाश्रम धर्म का बताया गया है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करें ये वर्णाश्रम धर्म जो है ना ये हमारे लिए है जो भौतिक तो जीवन में फंसे हुए हैं हम तो भौतिक जीवन में जैसे वर्ण आश्रम चार वर्ण होते हैं और चार आश्रम होते हैं हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार वर्ण हो गए और चार आश्रम होते हैं हम्म चार आश्रम कौन कौन से हैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वन और सन्यासी ये चार वर्ण और चार आश्रमों टोटल आठ हो गए इनका पालन करके हम अपने जीवन को जो है पाप से मुक्त कर सकते हैं भगवान के भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं भगवत धाम को जा सकते हैं गोलोक वृंदावन धाम को जा सकते हैं भगवान के नजदीकी बन सकते हैं भगवान के सेवक बन सकते हैं तो ये जो वेद और पुराण होते हैं हमें कैसे मदद करते हैं ये हमें हमारे धर्म के बारे में बताते हैं तो जब हम धर्म का पालन करेंगे ना तो अर्थ अपने आप आएगा आपको भगवान जो है धन संपत्ति देंगे इतनी संपत्ति देंगे कि आपका जीवन का निर्वाह अच्छे से हो सके फिर उसके बाद क्या होता है अगर आपके पास धर्म आप धर्म का पालन कर रहे हैं आपके पास धन संपत्ति भी आ गया उसके बाद क्या होता है काम आता है हाँ जब पेड़ भर गया ना तो पेड़ भरने के बाद लोग क्या करते हैं हुँ? चलो काम तो यहां पर जो है हमारे धर्म में बताया गया है कि भाई अगर आप सेक्स भी कर रहे हैं ना तो वो नियमित होना चाहिए तो रेगुलेटेड होना चाहिए आप जो है प्रॉपर शादी ब्याह करके अपनी पत्नी के साथ जो है संबंध बना सकते हैं और संतानोत्पत्ति कर सकते हैं जो भगवत भक्ति में लगाए जा सके मतलब आपको अगर अब अगर, अगर आपको ब... अन्य स्त्रियों के साथ संबंध नहीं बनाना है अपनी पत्नी के साथ आप संभोग करके संतान उत्पत्ति कर सकते हैं और वो संतान जो है कृष्ण भक्त बनेंगे क्योंकि आपने धर्म का पालन किया आपके बाद धर्म के बाद अर्थ आया अर्थ के बाद जो काम आया उसे आपने संयमित किया हुँ? तो संयमित करने से क्या हुआ आपकी जो संतान उत्पत्ति हुई वो कृष्ण भक्त बनेंगे फिर धीरे धीरे आप जो है आ, रिटायर हो जाते हो हाँ आपको जो है सेवा निवृत्ति मिलती है आप जो भी नौकरी में रहते हैं एक पचास साल के बाद पचपन साल के बाद साठ साल के बाद आप थक जाते हैं आपकी उम्र हो जाती है आप और काम नहीं कर सकते उसके बाद आप भगवत भक्ति कीजिए आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी तो देखिए कितना बढ़िया हमारे वेदों में इस इन चीजों का वर्णन मिलता है हाँ कि आप वर्णाश्रम धर्म का पालन करके अर्थ की प्राप्ति कर सकते हैं अर्थ के बाद आप काम भी अपने काम को भी नियमित संयमित कर सकते हैं और आप जब सेवानिवृत्त होते हैं जब आपका उम्र हो जाता है पचास साल पचपन साल साठ साल के बाद उसके बाद आप भगवान की भक्ति कीजिए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपके संतान जो है आपका घर बार संभाल लेंगे तो पहले जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे वो इस वर्णाश्रम धर्म का पालन करते थे और बचपन में ही इस वर्णाश्रम धर्म की शिक्षा देते थे दिया जाता था कि पंद्रह साल तक जो है बच्चा आपका ब्रह्मचार ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो जब वो ब्रह्मचर्य का पंद्रह साल पालन करता है तो वो बहुत मजबूत हो जाता है कि इस संसार में जितनी भी भौतिक आशक्तियां हैं ना उसको आशक्ति से आसक्त क्या है इसका ज्ञान हो जाता है तो जब आपको पता रहेगा आसक्त क्या है अब तो आपकी आशक्ति उसमें नहीं होगी आप गलत जगहों पर लिप्त तो नहीं होंगे ये हो गया जो लोग वेद वेदों का अनुकरण करते हैं जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं लेकिन जो डायरेक्ट भगवान की भक्ति करते हैं कृष्ण भक्ति करते हैं भगवान के कृष्ण कथा सुनते हैं कृष्ण लीला का डिस्कशन करते हैं भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं हरे नाम का जप करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जो हरि नाम का जप करते हैं तो वो क्या होता है भगवान के डायरेक्ट संबंध में आ जाते हैं हा? वो खाना भी बना रहे हैं तो भगवान की भक्ति करते हुए बना रहे हैं हरि नाम ले ले रहे हैं जोर जोर से नाम का उच्चारण कर रहे हैं रोटी बना रहे हैं दाल बना रहे हैं चावल बना रहे हैं और वो बनाने के बाद वो भगवान को जो है भोग लगा के लगाते हैं उसके बाद जो है वो खाते हैं तो वो महाप्रसाद बन जाता है तो वो महाप्रसाद खाने से आपकी अंतकरण की शुद्धि होती है और उससे अंतःकरण की शुद्धि होने से जीवन धीरे धीरे आपका जीवन जो है सुखमय हो जाता है और आप भगवत भक्ति करने लगते हैं हाँ तो और आप रोज सुबह उठ के स्वाध्याय करते हैं रोज सुबह उठ के नाम जप करते हैं रोज सुबह उठ के गुरु के निर्देशों का पालन करते हैं हा? और ढोल मजीरा मृदंग करताल के साथ आप नगर संकीर्तन के लिए जाते हैं हा? इस तरह से आप प्रचार प्रसार में भी भाग लेते हैं और महाप्रसाद भी खाते हैं और इस तरह आपका जो जीवन है वो पूरा पूरी पूरी तरह से सुखमय बन जाता है तो ये भगवान की डायरेक्ट सेवा करने से हमको अगर वर्णाश्रम धर्म का हमने पालन नहीं भी किया तो यहां से हमको मुक्ति मिल जाती है हम भगवत धाम को जाते हैं गोलोक वृंदावन धाम को जाते हैं ये जो है श्लोक संख्या इक्कीस में बताया गया है और दूसरी बात जो है ये जो हमारा जो जीवन है ना ये पूरा क्लेश से भरा हुआ है अब इस क्लेश से होता क्या है क्लेश यह होता है, हमारा जीवन जो है दुखमय रहता है और इस दुखमय जीवन का कारण क्या है इंद्रिय सुख के पीछे भागना हम वहां हमेशा इंद्रियों के सुख के लिए भागते रहते हैं भी ये क्लेश आता क्यों कुछ कारण होगा तभी तो क्लेश आता है कारण यही है कि हम जो है इग्नोर करते हैं हम गुरु के निर्देशों का पालन नहीं करते गुरु साधु और शास्त्र का अनुकरण नहीं करते हाँ गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते भगवत गीता नहीं पढ़ते भागवतम नहीं पढ़ते प्रभुपाद जी ने कितने सारे साहित्य हमको दिए हैं कितने सारे स्क्रिप्चर दे दिए हैं हम पढ़ें हम हमको लिखने के लिए नहीं कहा गया है लेकिन हम पढ़ तो सकते हैं तो जब हम उसको पढ़ेंगे आचार्यों से सुनेंगे तो हमारा जो जीवन है वो सुखमय हो जाएगा लेकिन लोग इग्नोर करते हैं उस इग्नोरेंस की वजह से क्या होता है ना वो हमारे जीवन में आसक्ति आ जाती है तो जो आसक्ति है ना वो एक बीच का काम करती है हमारे अंदर वासना आ जाती है हमारे अंदर एंजॉय करने की मनोरंजन करने की भावना आ जाती है हमारे बहुत सारी इच्छाएं रहती है मुझे ये चाहिए मुझे गाड़ी चाहिए मुझे बंगला इच्छाएं उत्पन्न होती है तो जैसे आप भौतिक जीवन में डुबकी लगाते हैं ना इच्छाओं का भंडार निकलता है मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए मतलब दूसरों का ही देख के हम परेशान रहते हैं और कंपेरिजन में जो है लाइफ ये हो जाता है तो हम जो है भगवान के साथ के हमारा क्या संबंध है इस बात को समझते ही नहीं तो विद्या क्या है विद्या मतलब हमारा जीव और भगवान कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है जो समझता है उसे विद्या कहते हैं और जो नहीं समझता है उसे अविद्या कहते हैं तो उस अविद्या की वजह से हमारे अंदर काम वासना इच्छाएं सब भर जाती हैं और हम भौतिक में आशक्त हो जाते हैं और जब हम भौतिक में आशक्त हो जाते हैं ना तो हम अपने आप जो करेंगे ना वो पापी होता है आपकी ज्यादा इच्छाएं हैं हाँ भगवान ने आपको खाने भर का जीने भर का रहने भर का जिंदगी बिताने भर का दे दिया है लेकिन जब आप ज्यादा इच्छा करते हो ना तो आपको आप को क्या, क्या करते हो पाप करने लगते हो ज्यादा चाहिए ना तो किसी का छीन लो किसी का चुरा लो किसी का ले लो ये सब पाप में आता है तो हम क्या करते हैं हमारे हमारा जीवन जो है पापमय बन जाता है अगर हमारा जीवन पापमय बन गया तो हम क्या करें हम करेंगे हम भुगतना भी शुरू करेंगे भुगतेंगे भी तो हम ही ना आपके लिए कोई और नहीं भुगतेगा तो फिर उसका भुगतान भी यही करना पड़ता है तो इसका भुगतान कैसे होता है जैसे आपने इस जन्म में पाप कर लिए भुगत नहीं पाए अगला जन्म आपको वैसा मिलेगा हम्म जैसे आपने बहुत मांस मच्छी खाए और ये सब जानवरों की हत्या करके खाए तो आपने जितने जानवरों को खाया है जितनी बार खाया है उतनी बार आपको वो भी खाएगा वैसा ही जन्म मिलेगा आपको हाँ ऐसा अभी ये जन्म आपको इंसान का मिला है अगला जन्म आपको शेर का मिलेगा रहो खाओ जितना खाना है जीवों को मार के खाओ तो आपकी इच्छा के अनुसार ही आपको जन्म मिलेगा जैसा आपका कर्म होगा तो भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं चाहे वो अच्छी हो या खराब तो भगवान उसके जिम्मेदार नहीं है हम आप बोलते हो कि हम इंसान हैं तो इंसान को भगवान ने बुद्धिमान बनाया है तो जब आप गलत करते हैं तो आपको इस बात का ज्ञान होता है कि आप गलत कर रहे हो लेकिन आप में भौतिक आसक्ति इतनी होती है कि आप अपने उस अंतरात्मा की बात को सुनते ही नहीं है और गलत करते जाते हैं तो उस गलत करने से क्या हो रहा है आपका जीवन पाप पूर्ण बन जाता है और हम इसी पृथ्वी पर बार बार जो है जन्म लेते हैं हमारा मृत्यु होती है हम बूढ़े होते हैं हम नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं इस तरह से हम जो है बार बार यहाँ आकर अपना जीवन बिताते हैं हमारा जीवन जो है ना पापमय हो जाता है तो पापमय जो जीवन है ना वो दो प्रकार के होता है प्रारब्ध होता है कि अप्रारब्ध प्रारब्ध तो मतलब जो अभी वर्तमान में जो घटित हो रहा है जो हमने पाप किया है और हमें जो अभी फल मिल रहा है उसे प्रारब्ध कहते हैं है। तो लोग क्या बोलते हैं देखो इसका प्रारब्ध कैसे हो गया है इसका प्रारब्ध खराब है अच्छा नहीं है हाँ मतलब आपने पहले पाप किए थे इसलिए आप आज भुगत रहे हैं और अप्रारब्ध क्या होता है कि आपका जो ये है ना आपका जो जीवन है ना वो पापों से भरा हुआ है तो वो भी एक दिन आपके सामने आएगा तो जो वर्तमान में हम भुगत रहे हैं उसको प्रारब्ध बोलते हैं और जो भविष्य में आने वाला है उसे हम अप्रारब्ध बोलते हैं इं? तो इस प्रकार से पाप में जीवन जो है हमारा प्रारब्ध और अप्रारब्ध दो प्रकार का होता है अब अप्रारब्ध में भी दो प्रकार के होते हैं अप्रारब्ध एक और अप्रारब्ध दो और जो होता है अपरारब्ध एक में यह बताया गया है कि जो है हमारा जो है हम जो है भुगतना शुरू करते हैं और अपर दो में ये बताया गया है कि हमारा जो जीवन है ना बहुत ज्यादा पाप पूर्ण जीवन से भरा हुआ है तो कुछ जो है कुछ हम भुगत लेते हैं इस जीवन में कुछ हम अगले जन्म में भुगतते हैं तो हम अप्रारब्ध और प्रारब्ध दोनों हमारे सर पे ही आने वाला है हम किसी भी पाप को नहीं कर सकते अगर हम आज पाप कर रहे हैं तो हमें उसका फल भी आज नहीं तो कल नहीं तो अगले जीवन में मिलने वाला ही है जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है अप्रारब्ध फलम पाप पापम कोटम बीजम फलोन्मुखम विष्णु भक्ति तो यहां पर बताया गया है कि जो लोग भगवान की सेवा करते हैं उनके जो है पाप पूर्ण जीवन कम हो जाते हैं या फिर ऐसा कहें कि वो पापों का फल भुगतते हैं लेकिन उन्हें कोई असर नहीं होता तो भगवान की भक्ति करके आप अपने पापों को इस तरह से दूर कर सकते हैं तो आपको अपने अंदर भगवान की भक्ति रूपी बीच का बोना पड़ेगा तो अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे हरिनाम संकीर्तन करेंगे गुरु साधु शास्त्र का अनुकरण करेंगे तो आपका जो पाप है ऐसे आपसे दूर हो जाएगा कब दूर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा इस तरह से हम देखते हैं कि हम अपने भौतिक जीवन में आसक्ति के कारण हम अपने ही जीवन में नाना प्रकार के कष्ट भुगतते रहते हैं फिर हम देखते हैं श्लोक संख्या बत्तीस सौ तैतीस में एवं वितता ब्राह्मणो मुखे कर्म जान सर्वान एवं ज्ञावा से ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हुए इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे भगवान बता रहे हैं कि जो नाना प्रकार के यज्ञ है ना ये भी आपको इनका भी उद्देश्य भगवान की भगवत भक्ति की प्राप्ति है अगर आप ये यज्ञ करते हैं इच्छा से करते हैं भगवान में हरिणाम लेते हुए करते हैं तो इनसे भी धीरे धीरे आपके कर्म जो है वो शुद्ध हो जाते हैं तो श्लोक संख्या बत्तीस में भगवान बताते हैं कि ये नाना प्रकार के यज्ञों की, की आवश्यकता क्या है ये नाना प्रकार के यज्ञों की यज्ञ जो है नाना प्रकार के लोगों के लिए बनाए गए हैं नाना प्रकार के कर्म के अनुसार बनाए गए जैसे भाई किसी को सुंदर स्त्री चाहिए हाँ तो वो भगवान उमा की आ, आ, माता उमा की आराधना करते हैं अच्छा पति चाहिए अच्छी पत्नी चाहिए भगवान जो है माता उमा देवी की प्रार्थना करते हैं उमा देवी की सेवा करते हैं तो ये जो कर्म होते हैं ना तो आपके कर्म जो है हो सकता है वो अः शरीर से संबंध हो हो सकता है आपके दिमाग से संबंध हो हो सकता है आपके बुद्धि से संबंध हो तो नाना प्रकार के यज्ञ जो होते हैं युग ये नाना प्रकार के जो यज्ञ किए जाते हैं इनका भी उद्देश्य है भगवत भक्त की प्राप्ति करना तो ये सब जो है एक तरह से सतोगुण में किए जाते हैं सतोगुण नहीं हो तो यज्ञ करने की भावना ही नहीं आएगी तो हम देखते हैं कि जो है, जो है नाना प्रकार के जो है यज्ञ के प्रकार हैं तो आपका जो है आ, आपका उद्देश्य क्या है तो आप कर्म कांड कर रहे हैं या ज्ञान कांड कर रहे हैं तो अगर आप कर्म कांड कर रहे हैं तो कर्म कांड मतलब क्या है आप कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसे फल की आशा रख रहे हैं तो फल से आसक्ति है तो उसे कर्म कांड कहा जाता है और अगर आपको ज्ञान है तो आपको ज्ञान है तो आप जो भी कर्म करेंगे उससे आपको अगर आप भगवान के बारे में जानते हैं भगवान के बारे में ज्ञान रखते हैं कि भगवान और जीव ईश्वर तत्व और जीव तत्व की के बारे में क्या, दोनों के बीच में क्या संबंध है तो आप जो है सत्य को जानते हैं सत्य को जानना मतलब भगवान के बारे में ज्ञान रखना उसे बोलते हैं अभी इन सब नाना प्रकार के यज्ञों के बीच में रहस्य क्या है तो जो नाना प्रकार के यज्ञ होते हैं ना नाना प्रकार के विश्वास के अनुसार पैदा होते हैं तो जो अगर आप कोई भी यज्ञ कर रहे हैं कोई भी बलिदान कर रहे हैं कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं अगर आपको ज्ञान है उस अनुष्ठान का तो वो सबसे अच्छा है भाई मैं यज्ञ क्यों कर रहा हूं? किस कारण से कर रहा हूं? इसमें कोई मेरे फल की आसक्ति तो नहीं है स्वार्थ नहीं होना चाहिए अपना खुद का स्वार्थ जब उसमें निहित होता है तो जो उससे गलत फल मिलते हैं उसके भी जिम्मेदार आप ही हो अगर आप फल की आशा नहीं करते चाहे वो गलत हो अच्छा हो तो आप भगवान पर पूर्णतया निर्भर होते हैं तो भगवान जो है उसे संभाल लेते हैं भगवान जो है उसे शुद्ध बना देते हैं तो जब आपको विश्वास होता है भगवान के ऊपर वो सही उसे सही ज्ञान कहा जाता है और अगर आपको ज्ञान नहीं है तो समझ लीजिए आपका जो अनुष्ठान है जो भी यज्ञ कर रहे हैं जो भी बलिदान कर रहे हैं वो भौतिक प्लेटफॉर्म पे ही है उसमें आसक्ति लगी है देखो भाई मैं ये यज्ञ कर रहा हूं ये अनुष्ठान करने जा रहा हूं ताकि मेरा नाम हो हुँ? ताकि मुझे लोग जाने मुझे धन की प्राप्ति हो लोग मुझे दान दें मतलब उसमें आपका स्वार्थ नहीं था इसलिए आप जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं आपको उसका ज्ञान होना चाहिए कि मुझे मैं कौन सा अनुष्ठान कर रहा हूं कौन सा यज्ञ कर रहा हूं इससे मैं किसके लिए कर रहा हूं यह भगवान के लिए कर रहा हूं तो भगवान उसके अच्छे बुरो को जो है संभाल लेते हैं वो भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है हुँ? यह है श्लोक संख्या तक तेम्स श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञज्ञाने यज्ञः परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते हे परंतप द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है हे पार्थ अंततगत्वा सारे कर्मों यज्ञों का औसान दिव्य ज्ञान में होता है मतलब आप जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं आपको उसका ज्ञान होना चाहिए कि मैं कौन सा अनुष्ठान कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं हा? भगवान के बारे में आपको भगवान और जीव के बारे में संबंध का आपको ज्ञान होना चाहिए तो उससे क्या होते हैं आप जो है भौतिक से आपकी आशक्ति नहीं होती है और आपका जो भी यज्ञ है वो शुद्ध हो जाता है यही श्लोक संख्या अः बत्तीस और तैतीस में बताया गया है अगला श्लोक हम अग, अगली बार लेंगे और यहाँ पर हम अपनी वाणी को विराम देंगे किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं भगवत सिमत भगवत गीता की जय शिल प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल वाछा कल्पतरुभ कृपा सिंधु पतिता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा